कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते दुनिया के साथ साथ साल 2021 में बॉलीवुड ने भी कई सारे सुपरस्टार्स को खोया है। इस साल कोरोना के चलते पिछले 6 महीनों में कई सारे बॉलीवुड स्टार्स ने हम सभी को अलविदा कह दिया है। हाल ही में खबर आई है कि टीवी का फेमस शो मन की आवाज प्रतिज्ञा के सबसे ज्यादा पसंदीदा कैरेक्टर सज्जन सिंह का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। निधन मल्टीपल ऑर्गन फेल होने की वजह से हुआ है। बताया जा रहा है कि अनुपम कई दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनके ऑर्गन्स ने काम करना एकदम बंद कर दिया था। अनुपम साल 2020 से ही किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और कई दिक्कतों के चलते उन्हें दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। अनुपम ने कई सारे टीवी सीरियल्स और मूवीज में काम किया है, लेकिन उन्हें फेम पूजा गौहर और अरहान बटल के हिट शो मन की आवाज प्रतिज्ञा के बाद मिला है। अनुपम को लोग असली नाम से ज्यादा सज्जन सिंह के नाम से जानते हैं और इस शो की वजह से वो घर घर में फेमस हो गए। जानकारी के लिए बता दें कि अनुपम का इलाज मुंबई में स्थित हॉस्पिटल लाइफ लाइन में चल रहा था। साथ ही पैसे की तंगी के कारण उनके इलाज में काफी ज्यादा दिक्कत भी आई। इलाज के दौरान उनके भाई ने टीवी इंडस्ट्री के लोगों से मदद मांगी और काफी लोगों ने मदद भी की, पर फिर भी अनुपम की जिंदगी नहीं बच पाई।